वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 31st मार्च। आज मार्च मंथ का लास्ट डेट है, आज फाइनेंशियल ईयर भी हमारा खत्म हो रहा है। सो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं शेयर करूंगा। आज मैं ट्राई करूंगा कि आपको फुल मंथ करंट अफेयर्स मार्च मंथ के बाय इवनिंग तक प्रोवाइड कर दूँ। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, BCCI अनाउंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज एज इट्स ऑफिशियल पार्टनर फॉर टाटा IPL 2023। आज IPL मैच की शुरुआत भी हो रही है। सो आपको बताना है कि इसका ऑफिशियल पार्टनर जो BCCI द्वारा अभी अनाउंस किया गया कौन सा कंपनी है, यू हैव टू आंसर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, हर्बल लाइफ कंपनी, जो बेसिकली न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसे बनाया गया इसका ऑफिशियल पार्टनर टाटा IPL 2023 का। ये आपको याद रखना है। अबाउट BCCI के प्रेजिडेंट है रोजर बेनी एंड BCCI के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई में। ओके, तो आज से मैच की शुरुआत भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई बेस्ड हैज अनाउंस टू एस्टैब्लिश ग्रीन एंड सेल्फ पावर्ड डीसेलिनेशन प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कहाँ पे डीसेलिनेशन पॉइंट ये बनाने वाला है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप आइलैंड। देखो अब ये डीसेलिनेशन पॉइंट है क्या बेसिकली, देखो डीसेलिनाइजेशन अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जो वाटर रहता है सी वाटर रहता है, जो सॉल्ट वाटर रहता है उसको पोर्टेबल वाटर में बनाना, पीने लायक पानी बनाना। तो ये है डीसेलिनेशन प्लांट जो सेटअप कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई। ये कहाँ पर सेटअप कर रहा है, ये कर रहा है लक्षद्वीप में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड इसका अगर मैं कैपेसिटी की बात बताऊं तो पर डे ये 1 लाख लीटर ऑफ सॉल्ट वाटर को ही कन्वर्ट कर सकता है इनटू पोर्टेबल वाटर, यानी कि पीने लायक वाटर को, ये पीने लायक वाटर आपका इसको कन्वर्ट कर सकता है। ये आप याद रखेंगे। देखो लक्षद्वीप के 6 आइलैंड्स पे बेसिकली ये डीसेलिनेशन प्लांट सेटअप किया जाएगा। लक्षद्वीप के बारे में देखो दो इंपॉर्टेंट बीच अगर मैं बात करूं जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेशन दिया गया था, मिनिकॉय थुंडी एंड कदमत बीच। तो दो बीच का याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं प्रेजेंटली आपको बताऊं, टोटल राइट नाउ 12 बीच हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। तो इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023। तो इसमें साउथ एशियन कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओके, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि इसमें कब होगा और कौन सा कंट्री या कौन सा सिटी से होस्ट करने जा। तो इसे होस्ट करेगा जी हमारा बेंगलुरु, एंड ये जून जुलाई के मंथ में होंगे। ओके, इसी साल 2023 जून जुलाई के मंथ में होंगे। तो बेंगलुरु इसे होस्ट करेगा। कंट्री भी आपसे पूछ सकता है, तो अगर कंट्री पूछे तो इंडिया, सिटी पूछे तो बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। According to the recently released Global Terrorism 2023 report, which of the following countries are most impacted by terrorism? टेररिज्म की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड कंट्री आपसे पूछ रहा है। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड कंट्री लास्ट ईयर में भी अफगानिस्तान ही था, दिस ईयर अगेन अफगानिस्तान इज़ द मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री ड्यू टू टेररिज्म, ये आपको याद रखना है। एंड बुकरीना फैसो सेकेंड नंबर पे इम्पैक्ट है, पाकिस्तान 8वें नंबर पे है मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया टेररिज्म से 13वें नंबर पे आता जो इम्पैक्टेड है। ओके, तो अफगानिस्तान का इसमें याद रखना है आपको, नंबर 1 सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, इंडिया की अगर आपसे पूछ ले तो 13वें नंबर पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एक बेसिकली एक स्कीम है रीच आउट स्टैंड फॉर रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। ये स्कीम है, आप इन न्यूज़ में था, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव टू बेसिकली प्रमोट लाइक रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये बता रहा आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसे किस मिनिस्ट्री द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है, ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ये स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हो, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द कमर्शियल बैंक ये बना है फर्स्ट बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू लॉन्च UPI रेमिटेंस सर्विस टू इंडिया। बेसिकली इसमें अगर आप कतर में हैं, ओके, इफ यू आर इन कतर, आप कतर में काम करते हैं, अगर आपको इंडिया में पैसे भेजने हैं तो आप UPI के थ्रू विद इन 1 मिनट आप ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो ये कमर्शियल बैंक जो बेसिकली फर्स्ट बना कतर का, जो इंडिया में जिसने लॉन्च किया UPI रेमिटेंस सर्विसेज टू इंडिया, तो कतर इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन किसे बनाया गया, ये आपको बताना है।
So correct answer for this question is Lalit Kumar Gupta. Option number D is the correct answer for this question. अगर मैं आपसे पूछूँ कौन सा स्टेट है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो गुजरात करेक्ट आंसर रहेगा. एंड इसमें अगर मैं आपको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, ये कंपनी एक मिनी रतन कंपनी है, ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर है. कस्तूरी कॉटन ब्रांड जो इंडिया का सेल्फ ब्रांड है, कॉटन ब्रांड है, ये आप ज़रूर याद रखें, जिसके तहत अब्रॉड में भी कॉटन को भेजा जाता है. तो कस्तूरी ब्रांड ज़रूर याद रख लीजिएगा, कॉटन ब्रांड है इंडिया का अपना. ललित कुमार गुप्ता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. Recently, which of the following organization has issued an arrest warrant against Russian President Vladimir Putin? तो इसके अगेंस्ट रशियन प्रेजिडेंट हैं जो व्लादिमिर पुटिन, अरेस्ट वारंट इन्होंने रिलीज किया. बेसिकली यूक्रेन की वॉर के साथ, यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसी के रिगार्डिंग, तो ये किया है जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने. ओके, देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, इसके हेडक्वार्टर जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एग्जैक्टली हाग नीदरलैंड में ही है. So India is not the member of this International Criminal Court, and India is a member of International Court of Justice, जिसके headquarters Netherlands Haag. इन दोनों के headquarters Netherlands में ही आपको मिलेंगे. And इसके द्वारा arrest warrant basically against जारी किया गया Vladimir Putin द्वारा, Vladimir Putin को International Criminal Court द्वारा. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, इसे कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 18th March. एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता में मिलेंगे. 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, बट राइट नाउ उसे बेसिकली मर्ज करके 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज राइट नाउ हमारे इंडिया में हैं. इसके चेयरमैन आप याद रख लीजिएगा, हरिमोहन जी इसके चेयरमैन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हम 18th March को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट है, बेसिकली यूनेस्को द्वारा रिपोर्ट ये रिलीज किया गया, अकॉर्डिंग 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड डज नॉट हैव ए सेफ ड्रिंकिंग वाटर. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबली आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ पानी पीने की सुविधा नहीं है. ये रिपोर्ट रिसेंटली यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस जो न्यूयॉर्क में हुई थी उस टाइम ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया. एंड ये वर्ल्ड की बात कर रहा है, 26% ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डज नॉट हैव द एसेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ओके, तो जिसमें 46% पीपल डज नॉट हैव द एसेस टू वेल मैनेज सैनिटेशन फैसिलिटीज. तो इट्स अलार्मिंग कि पानी तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास. अगर फ्रेश वाटर की बात करूँ तो वी नो कि ओनली 1% फ्रेश वाटर रहता है ग्लोबली, बट उसमें भी अगर मैं पीने की बात करूँ तो उसमें भी 26% लोग हैं ऐसे जिनके पास साफ पानी की पीने की सुविधा नहीं. ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली यूनेस्को द्वारा रिलीज किया गया. Who has been honored with a lifetime achievement award by the University of Texas? तो इन्हें सम्मानित किया गया, ये former member of parliament भी रह चुके हैं. इनका नाम है जी नवीन जिंदल. नवीन जिंदल इज अ ग्रेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जिन्हें अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास. क्यों दिया गया? फॉर हिज अकम्प्लिशमेंट्स इन द इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, एजुकेशन. ओके, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ग्रेजुएट थे, इंडियन ऑरिजिन के हैं नवीन जिंदल, इनका नाम आप याद रखें. Recently, India Post has partnered with which of the following companies to enhance its last mile services for various e-commerce productivity. Okay, basically ये एक courier company है जिसके साथ Indian Post ने agreement sign किया for daily services. So ये है जी इस company का नाम आपसे पूछ रहा है. Name of this company is Shiprocket. सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट करके. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023? तो इनका नाम आपने बताना है. ये फर्स्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बनी जिन्हें सम्मानित किया गया. सो गाइस विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर, देखो आज हमारा मार्च मंथ खत्म हो चुका है. डेली करंट अफेयर्स में शुरुआत कर चुका हूँ, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे. अब कल 1 अप्रैल है, अब आपको आप तैयार हो जाइए, करंट अफेयर्स आपके फुल फ्लैश्ड आपके तैयार हो जाएंगे. इससे पहले जो बैकलॉग था मैं मार्च मंथ को कवर कर ही चुका हूँ, 3 पार्ट्स में मैं 3 वीक्स को कवर कर चुका हूँ. आज मैं ट्राई करूँगा कि फुल मंथ करंट अफेयर्स मार्च मंथ की मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ. तो इसके बाद आपका अप्रैल मंथ हम डेली स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद संडे टू संडे आपका रिविजन भी कराएंगे, वीकली रिविजन होगा, देन उसके बाद हम मंथली करंट अफेयर्स करने वाले हैं. सो ये रहेगा जी पूरा प्लान हमारा सेटअप, इसी तरीके से हमने करंट अफेयर्स करने हैं. बाकी फ्रॉम योर साइड यू हैव टू सपोर्ट. तो मैं देख रहा हूँ इतना रिस्पांस नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि अब फिर से कहीं हॉल्ट ना हो जाए, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अब डेली वीडियोज आएंगे विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी हॉल्ट. तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं. बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा. थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून.